नमस्कार, मैं हूं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम बताएंगे आपको भारत के उभरते हुए 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह डोपिंग टेस्ट में नाकाम हो गए। इसके बाद उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 8 माह के लिए बैन कर दिया गया है। अब वे 19 नवंबर 2019 तक कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। पृथ्वी शाह ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं अभी पिछले टूर्नामेंट में लगी चोट से उबर रहा हूं और इस खबर ने मुझे झकझोर दिया है। उधर BCCI ने कहा कि शाह ने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया। यह पदार्थ आमतौर पर खांसी की दवा में पाया जाता है। आपको बता दें कि शाह का प्रतिबंध पूर्व से जो 16 मार्च 2019 से प्रभावी होगा, जो कि 15 नवंबर 2019 तक चलेगा। भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेलने वाली पृथ्वी शाह ने अपनी गलती और सजा दोनों स्वीकार करते हुए कहा कि इस खबर ने उन्हें पूरी तरह से अंदर तक हिला दिया है, लेकिन वह और मजबूत होकर वापसी करेंगे। 22 फरवरी 2019 को इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान पृथ्वी ने BCCI के डोपिंग रोधी परीक्षण कार्यक्रम के तहत यूरिन टेस्ट का सैंपल उपलब्ध करवाया था। परीक्षण के बाद उनके नमूने में टर्बुटेलाइन पाया गया। BCCI के बयान में कहा गया है कि टर्बुटेलाइन बाड़ा की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में है और इसे प्रतियोगिता के दौरान या इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।